साहब ने उनसे बात की तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नारे लगाए जय माता दी भारत माता की जय करके वो लोग वहाँ से मतलब निकल गए, तो सब खुश हो गए कि हमारे हक में फैसला हुआ है। जैसे गवर्नर साहब वहाँ से चले गए उसके बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ 3 महीने के लिए कहा गया। और प्रोटेस्ट सर कैसे करते हैं लीडर साहब, सर डिवाइड कर दिया गया, देखो ना डिवाइड कर दिया गया। मैं उसी टाइम वहाँ पे बैठा हुआ था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो मैं उसी टाइम वहाँ पे दोबारा प्रोटेस्ट पे बैठा, क्योंकि मैं नाइट में था, मैं 24 घंटे से अपने घर नहीं गया हुआ था, तो मैं 10 बजे घर गया था, मुझे 11:30 बजे फिर से वापस बुलाया गया। मैं जैसे ही पहुंचा गवर्नर साहब चले गए थे वहाँ से, मैंने दोबारा से बच्चों को प्रोटेस्ट पे उठाया। आप वीडियो देखोगे तो पुलिस ने मेरे को यहाँ से पकड़ के जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, मुझे यहाँ पे अभी तक जख्म भी हुआ है। हम यही चाहते हैं कि जैसे कंटिन्यूशन डेली विजर वगैरह जो भी होते हैं उनको भी अगर कंटिन्यूशन मिल सकता है तो हमने एनएचएम वालों ने क्या किया, कोविड वॉरियर्स ने क्या किया। मैम हमारी तो ये भी थी ना यूज एंड थ्रो पॉलिसी नहीं चलेगी, हमारी हमारी तो मांग वो थी। हाँ एक्सटेंशन देखिए मैम, आज तक एनएचएम में हमेशा एक्सटेंशन ही मिला है, 3 महीने एक्सटेंशन, 6 महीने एक्सटेंशन, 1 साल एक्सटेंशन, बट यहाँ पे तो हमें मैडम प्रिंसिपल मैम ने जो ऑर्डर निकाला वहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि हम दोबारा से न स्ट्राइक कर सकते हैं न कुछ है। यहाँ पे देखो मैडम ने कहा है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर का नाम लियो लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह भी बताया था कि इन बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी नेक्स्ट तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रिंसिपल मैम ने भी कहा था कि 20 नंबर दिए जाएंगे, बट वो चीज़ इस लेटर में क्यों नहीं मैंशन की गई है। और आज तो ये NHM की पोस्टें निकाल रहे हैं, कुछ सांबा के लिए कुछ रामबन के लिए निकाली हुई है, वहाँ पे तो कोविड वॉरियर्स का कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने। अब आप क्या चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं, हम एक्सटेंशन चाहते हैं सर, जैसे डेली वेजर्स को अगर दे रहे हैं हम, हाँ अगर ये लोग परमानेंट नहीं दे सकते जॉब हमें, क्योंकि अगर परमानेंट देंगे तो इशू बनता है कि ये डेली वेजर्स भी आ जाते हैं रोड पे, सब कुछ आ जाता है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें ये जैसे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिले, क्योंकि 6 महीने मैम जी वैसे ही एक्सटेंशन चाहिए हमें, क्योंकि वो कंटिन्यूशन हो गए ना, एक्सटेंशन का मतलब है कि 6 महीने उसके बाद फिर से 6 महीने मिलेगा। मैम हमारा तो मजाक बन गया, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप पहले रिक्रूट करते हो, जैसे भी आपका क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया हमें, और एक ही बंदे को आपकी गवर्नमेंट 2 बार टर्मिनेशन ऑर्डर दे रही है, ये कहाँ का इंसाफ है मेरे को बताओ ना। आप 2 बार एक ही बंदे को रिक्रूट कर रहे हो और 2 ही बार आप फिर टर्मिनेट कर रहे हो, ये तो मजाक बन गया मैम। फिर अब आने वाले वक्त में आपका क्या फैसला रहेगा, क्या स्ट्राइक पे जाएंगे कि काम करेंगे? हमारा यही रहेगा, यही तो पूछना चाह रहे हैं हम कि मतलब हमारा क्या आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। और आपके जो नेता थे उससे मैं आप लोगों को जी जी मैं बताती हूं मैंने प्रोटेस्ट खत्म करवाने की कोशिश की इस होप पे कि एलजी साहब आए और उनका सम्मान करते हुए हमने इस उम्मीद पे प्रोटेस्ट खत्म किया कि आने वाला टाइम जो है हमारे लिए सही होगा। हमें ये नहीं पता था कि ये 3 मंथ की एक्सटेंशन जो है उसके नीचे साफ क्लियर कर दिया जाएगा कि उसके बाद हमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इसी